आरक्षण के का प्रावधान खत्म किया जा रहा है, घोटाले हो रहे हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, उसका लाभ नहीं मिलेगा अगर राजस्थान में ताकत रहोगे। भारतीय जनता पार्टी में बैठे दलित पिछड़े वर्ग के नेता, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, अगर आप इन पार्टियों में पिछले को बचाओगे तो क्या ये आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दे पाएंगे? अपने मन से सोचो, जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी में नेता है, वो अपने नेताओं को बाईपास करके क्या आपकी आवाज उठा सकते हैं? जब वो आपकी आवाज नहीं उठा सकते तो वो आपके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं क्या? आप ये महसूस करो कि जब कोई दुश्मन हमारे लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए हमारी बस्तियों, हमारी गलियों में, हमारे कस्बों में आए, हमारे पढ़े लिखे लोगों को उनका विरोध करके अपने अपने समाज को उनका सच बताना चाहिए। क्या किसी पार्टी ने आपके हुए अन्याय के खिलाफ आंदोलन किया क्या? आप अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने उनकी रक्षा करेंगे खुद। ये उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर रहे, तब हम लोगों ने तय किया कि अब ज्यादा दिन तक रुक के फायदा नहीं है। अगर ज्यादा दिन हम रुके रहे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि लड़ाई खत्म हो जाएगी, ये देश फिर से राजतंत्र के हाथ चलो चला जाएगा, जिसका प्रयास मोदी जी कर रहे हैं कि चंद पूंजीपतियों को मजबूत कर रहे हैं और बाकी व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को खत्म कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरी हमें पैरों पर खड़ा करती थी, उस सरकारी नौकरी को खत्म कर रहे हैं। ठेका, संविदा, इनके नाम पे आरक्षण की हत्या करके अपने लोगों को बिठा रहे, लेटरल एंट्री से अपने लोगों को बिठा रहे। तब हमने इस काम को शुरू किया और आज आपके संघर्ष से देश भर में चर्चा है कि राजस्थान को 3 तारीख के जो परिणाम आ रहे हैं, वो परिणाम ऐतिहासिक होंगे। आजाद समाज पार्टी के बिना, आरएलपी के बिना सरकार नहीं बनेगी राजस्थान में। अगर आज ऐसा माहौल हुआ है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और मुझे संघर्ष करना आप लोगों ने सिखाया, मुझे ताकत आप लोगों ने दी है। अगर आप लोगों ने संरक्षण न दिया होता, मेरी साथ न दिया होता, तो शायद आज राजस्थान में ये विश्वास और प्यार मजबूत नहीं होता। राजस्थान के लोगों ने तो मन बना लिया, उन्होंने सारे नेता देख लिया, उनको समझ आया कि आजाद समाज पार्टी को ताकत देगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी हमारे लोग इस काम को जिम्मेदारी से नहीं कर रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अरुण को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? मनीषा बहन के परिवार को जो वादा मुख्यमंत्री ने किया था सरकारी नौकरी का, आवास का वो पूरा क्यों नहीं हुआ? उसका एकमात्र कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को लगता है, क्योंकि अभी अभी वो दलित सम्मेलन कर रही है और बहुजन समाज पार्टी ने उनको वॉकओवर दे दिया। आप ये महसूस करो कि जब कोई दुश्मन हमारे लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए हमारी बस्तियों, हमारी गलियों में, हमारे कस्बों में आए, तो हमारे पढ़े लिखे लोगों को उनका विरोध करके अपने अपने समाज को उनका सच बताना चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अभी दलित सम्मेलन बुलाए, उसका एक जवाब बहुजन समाज पार्टी ने नहीं दिया। इसका मतलब उनके नेता यह तय कर चुके कि हम तो कमजोर हो ही रहे हैं, अब ये अगर समाज 12 साल अम्बेडकर का मिशन छोड़ के भाजपा की तरफ चला जाए तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सोचो कि अगर ये समाज अपनी नैतिक हैसियत छोड़ के कहीं गया और पिछड़ा को बन गया तो इनके हिस्से में क्या आएगा? उत्तर प्रदेश में आप बहुजन समाज के लोग इतनी संख्या में हो कि अपनी ताकत अपने बलबूते बना सकते हो। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 6800 घोटाला तो हुआ 20,000 पदों पर, लेकिन 6800 पद सरकार ने रिलीज किए। मैं जब चुनाव में था तो देख रहा था कि वो बच्चे रोज भाजपा कार्यालय या सड़कों पर आंदोलन करते हैं, उनको पीट पीट के
भगाने काम भाजपा के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बैठे दलित पिछड़े वर्ग के नेता, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। अगर आप इन पार्टियों में पिछड़कू बन जाओगे तो क्या ये आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दे पाएंगे? अपने मन से सोचो। वो भी चाहते हैं कि आप उनके दलों में आ जाओ, उसका कारण है आपके पास वोट है, वो आपको प्यार नहीं करते। आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा बच्चों कुर्बानी से मिला वोट, वो इस बात को जानते हैं कि इनके पास वोट है, इनकी जरूरत है। लेकिन महसूस करो, जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी में नेता है, समाजवादी पार्टी में भी जो लोग नेता है, वो अपने नेताओं को बाईपास करके क्या आपकी आवाज उठा सकते हैं? जब वो आपकी आवाज नहीं उठा सकते तो वो आपके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं क्या? 2 अप्रैल 2018 में आगरा के लोगों ने जो संघर्ष किया था, ऐतिहासिक था, वो इतिहास में लिखा गया। उसका कोई जवाब नहीं, आपको सहना भी पड़ा। सहना तब पड़ता है जब आपका नेता हाथ पीछे खींच रहे। 2 अप्रैल 2018 को जब आपने संघर्ष किया, जब 12 बजे तक बड़ी भीड़ जुटी, तब तक तो सब लोगों ने कहा हम भी शामिल है, हम भी शामिल है। लेकिन जब विरोधियों ने हमारे लोगों पर गोले चलाने का काम किया, लाठियां को पीटने का काम किया, तो जिन नेताओं का भरोसे आपने लड़े थे, उन्होंने कहा हमारा इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं। भाजपा को ताकत दे दी कि ये नौजवान जो अपनी जान की बाजी लगा के समाज की लड़ाई लड़ रहे, उनको पीटो। और परिणाम ये हुआ कि हजारों लोग जेल गए, और पुलिस ने जेल में पकड़े जाने के बाद इतनी लाठियां लोग पीटा मेरे भाइयों को, हजारों लोगों को राशन का नहीं, तमाम तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा। आप सब लोग बताओ, क्या किसी पार्टी ने आपके हुए अन्याय के खिलाफ आंदोलन किया क्या? आप अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने, उनकी रक्षा करने खुद आए। आज पूरे देश में पुलिस से पहले भीम आर्मी के नौजवान अन्याय होने पर जाते हैं, और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते बिना किसी स्वार्थ के। मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर आपके 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापस करा कर दिखाऊंगा। आप मेरी बात को याद रखो, चाहे मुझे कुछ भी संघर्ष करना पड़े, चाहे मेरी जिंदगी जेल में क्यों न कट जाए, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं होने दूंगा इस सरकार के आगे। आप चिंता मत करो, लेकिन आप भी ये सोचो मेरे साथियों, इस लोकतंत्र में जब तक आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाओगे तो आपके साथ ये जुल्म जाति अन्याय प्रचार होता है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए और यहां से आपको सीख कर नहीं जाते, और जाते उस काम को अमल में नहीं लाते, तो फिर ताकत कैसे बनेगी? ये लोकतंत्र है, संगठन में शक्ति है। अगर आप संगठन का काम प्रॉपर नहीं करते, अपनी बूथ की कमेटियां, सेक्टर की कमेटियां, विधानसभा की कमेटी, जिले कमेटी, और जो हमारे पार्टी के फ्रंटल संगठन है उनकी कमेटियां नहीं बनाते, जिम्मेदारी नहीं उठाते, तो आपकी ताकत कैसे बनेगी? आप ये सोचो, आपकी पार्टी का संगठन कोई दूसरी पार्टी के लोग बनाएंगे क्या? अब जिन नौजवानों पर मुझे भरोसा है कि वो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, वो हाथ में कैमरे लेके वीडियोग्राफर बनना चाहे, फोटोग्राफर बनना चाहे, तो आंदोलन कैसे कामयाब होगा? मैं आ जाऊं तो आ जाओ, और फिर जो जमीनी काम जिले में करना वो ना करो। मैं आ जाऊं तो बड़ी संख्या में नारे लगाओ, और जाके अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी ना उठाओ तो ताकत कैसे बनेगी? मैं भी देखता रहता हूं कौन काम कर रहा है और कौन मुझे तरफ चेहरा दिखाने के लिए आता है। मैं ये भी जानता हूं हमारे अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहां बैठे, और हमारे मंत्री जी भी अब सीनियर लोग यहां बैठे। मैं ये भी जानता हूं कि आगरा के जो लोग हैं वो सक्षम लोग हैं,
वो किसी कमजोर के साथ नहीं खड़े होते। मानव से पहले जब वो यहाँ चुनाव लड़ती थी उनको 1000-1200 वोट मिलते। जब मानव में लॉन्च हुआ तो आपके अंदर हिम्मत जागी और आपने ताकत बनाने का काम किया। मैं आगरा के लोगों का स्वभाव जानता हूं, अलीगढ़ के लोगों का, हाथरस आसन के लोगों का। आज कमजोर के साथ नहीं खड़े होते, इसलिए हमने राजस्थान में जाकर ताकत बनाने का काम किया कि आप भी जागो, आप भी मेहनत करो, आप भी लापरवाह मत बनो। राजस्थान में ताकतवर हो जाएंगे उससे उत्तर प्रदेश की समस्याओं का हल नहीं होगा। राजस्थान में ताकतवर हो जाएंगे उससे उत्तर प्रदेश के बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी हो रही है उसका जवाब नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो गरीबों की जमीन दबाई जा रही है, आरक्षण का प्रावधान खत्म किया जा रहा है, घोटाले हो रहे हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, उसका लाभ नहीं मिलेगा अगर राजस्थान में ताकतवर होंगे। अगर उत्तर प्रदेश में ताकतवर होंगे तब इसका लाभ आपको मिलेगा।